देख रहे हैं ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खुशी का दिन है, पर ये दिन क्रिकेट के लिए भी बहुत खुशी का दिन है। भारतीय क्रिकेट ने इतिहास रच दिया था पिछले साल 15 अगस्त के दिन। मैं आपको बता दूं, पिछले साल हमने भारत और वेस्ट इंडीज की सीरीज देखी, जहां पर भारत ने 15 अगस्त के दिन ही वेस्ट इंडीज से मैच जीता था। पिछले साल हम लोगों ने 73rd इंडिपेंडेंस डे मनाया था, यानी कि 72 सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारत ने 15 अगस्त के दिन कोई मैच जीता हो। या तो मैचेस हार जाते थे या फिर कैंसिल हो जाते थे, पोस्टपोन हो जाते थे, पर पिछले साल ये चीज़ भी बदली और भारत ने 15 अगस्त के दिन सभी भारतीयों को एक तोहफा दिया मैच जीतकर। ये मैच जीता उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मैच ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज जीती 2-0 से। ये सीरीज थी 3 मैचेस की ODI सीरीज, जहां पर भारत ने 2-0 से सीरीज जीती और भारत को एक बहुत ही खुशी का तोहफा दिया। 15 अगस्त का दिन सभी लोगों के लिए स्पेशल है और भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस दिन को बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया था, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भारतीय टीम ने कोई मैच जीता, वो भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। 72 सालों में ये पहली बार हुआ पिछले साल और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमें जीत देखने को मिले आगे आने वाले समय में भी। पर 72 साल आप सोचिए, इतने लंबे समय तक कोई भी मैच नहीं जीते हम 15 अगस्त वाले दिन। बहुत सारी विक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े मैचेस जीते हैं भारतीय टीम ने और हमें खुशी होती है, हमें गर्व होता है जब वो मैच जीतते हैं, पर 15 अगस्त के दिन मैच जीतना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेंटिमेंटल है ये दिन और बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। बहुत खुशी का दिन होता है हम सभी के लिए, तो लेट्स सेलिब्रेट क्रिकेट्स विक्ट्री। इंडियन क्रिकेट टीम को हम विश करते हैं इंडिपेंडेंस डे और बहुत सारी विशेस देते हैं कि आने वाले समय में भी हमें ऐसी ही विक्ट्रीज देखने को मिले। सो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करिए इंडिपेंडेंस डे, एंड ट्रिपल एम क्रिकेट सेंटर विशेस यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।